हम फिलहाल मौजूद हैं सोनवलिया गांव में, जो हमीनपुर पंचायत और बैकुंठपुर थाने के अंतर्गत आता है और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां की सबसे बड़ी दुखद घटना है कि एक साथ 5 लोगों की मौत हो जाती है। कहीं ये लोग मेहमानी से आ रहे होते हैं और जो स्कॉर्पियो होती है वो नहर में चली जाती है अनियंत्रित होने की वजह से। उसके बाद से उसमें 6 लोग सवार होते हैं, एक व्यक्ति बच जाता है, बाकी 5 लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ के बैकुंठपुर के पूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, हम बातचीत करते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे। क्या कहेंगे सर? यह बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बहुत ही मर्माहत करने वाली घटना है और इस घटना से हम लोग बहुत आहत हैं, बहुत पीड़ित हैं और पूरा इलाका का लोग, जिन लोगों की मृत्यु हुई है हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। हम घटना की जानकारी वहां के ग्रामीणों से और SDPO मरहड़ा से भी इस घटना की पूरी जानकारी हमने टेलीफोन पर ली है जी। और जो घटना घटित हुई है उस घटना में गाड़ी जब आ रही थी उसी समय नीलगाय सामने आया और जिसके कारण गाड़ी सीधे नहर में गई और सब लोगों की 5 लोगों की डूबने से मृत्यु हुई है। इस आशय की जानकारी मढ़ौरा के SDPO ने भी मुझे दिया है और ग्रामीणों ने भी दिया है। तो यह दुखद पल है, दुखद क्षण है और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि मृत व्यक्तियों की आत्मा को शांति दें और दुख संतप्त जो परिवार हैं उनको इस भारी दुख सहन करने की भी क्षमता दें और सरकार से भी हम मांग करेंगे कि जो लोगों की मृत्यु हुई है और नहर में डूबने के कारण मृत्यु हुई है, क्योंकि आपदा में सरकार का यह प्रावधान है राशि देने का पीड़ित परिवारों को, तो अगर नहर में डूबने से मृत्यु हुई है तो पीड़ित परिवार को सरकार शीघ्र मुआवजा दे, इस दिशा में भी हम पहल करेंगे। जी सर, ठीक है सर। कोई व्यक्ति है इसमें से जो 5 लोगों का नाम बता सके? वहीं आगे बगल में जी, बगल में जी। दिनेश सिंह। उम्र कितनी थी इनकी? 52 साल। 52 साल। लाल बाबू साह जी। उम्र? उम्र 35 साल जी। एक पतिराम साह का लड़का है जी, उसका उम्र कम है, 15-16 साल। एक सूरज प्रसाद है जो उनका उम्र 35 साल के आसपास है जी। और एक है जो डुमरसन का है, करण कुदरिया का जी, जी। उनका उम्र लगभग 50 साल जी। और एक व्यक्ति जो बच गए हैं उनका भी 50-52 साल उनकी उम्र है जी। उनका नाम दीना राय है जी। वहीं हम लोगों को खबर किए, बच गए, खबर किए तो हम लोग गए तो लाश निकालने का काम। तो इस तरह से है ये पूरा घटनाक्रम, जहाँ पे सोनवलिया गांव में पूरी तरीके से चीख चित्कार मचा हुआ है और यहाँ पे शमशान घाट में हम लोग मौजूद है और यहाँ पे सभी की आंखों में आंसू है। तो सभी लोग यहाँ पे नमन कर रहे हैं कि भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे।